सो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में विराट कोहली सर का इतना आई कंप्लीट कर लिया था, और इस वाले सेकंड पार्ट में मैं पूरे फेस को शेड करूंगा और दिखाऊंगा कि मैं कैसे शेड करता हूं, कौन कौन से टूल्स यूज़ करता हूं और कितने टाइम लगता है शेड करने में। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं यूज़ किया हूँ इसमें आउटलाइन की पेंसिल और बर्ड्स और एक इरेजर, और मैं बेस लेयर दे दिया हूँ और कुछ कुछ हाइलाइट्स भी मैं दे रहा हूँ कि जिसमें हमारा ड्राइंग रियलिस्टिक दिखे। तो गाइज, आपको ऐसा फर्स्ट बेस लेयर देना है, सेकंड और थर्ड लेयर देना है, सेकंड लेयर थोड़ा सा मीडियम टोन और लास्ट लेयर हाइलाइट्स के लिए और डार्कनेस के लिए। नोज़ के लिए गाइस मैंने HB पेंसिल का यूज़ किया क्योंकि उसमें ज़रा हाइलाइट्स थे, तो मैं HB पेंसिल का या 2B पेंसिल का यूज़ करके नोज़ को कंप्लीट कर लिया। और आप लोग को जो शेडिंग करनी है वो सर्कुलर मोशन में करनी है। अगर आप लोग को उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना कर डाल दूँगा। गाइज, यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया और HB पेंसिल का मैंने फर्स्ट लेयर बेस लेयर दे दिया, उसके ऊपर से थोड़ा और डार्कनेस चाहिए था और हाईलाइट चाहिए था, तो मैंने 6B भी यूज़ किया और देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है, मतलब रियलिस्टिक दिख रहा है। और आप सभी भी इस ड्राइंग को देख के ड्राइंग कर सकते हैं। और लिप्स में मैंने HB पेंसिल यूज़ किया और 2B पेंसिल यूज़ किया। यूज़ करने के बाद में मुझे ब्लेंड किया, और ब्लेंड करने के बाद में मुझे इसमें हाईलाइट्स चाहिए थे तो मेरे पास टॉम्बो 01 इरेजर नहीं था, तो मैंने इरेजर को स्ट्रिप को कट कर लिया पतले से और उसको यूज़ किया यहाँ पे। तो आप सभी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टॉम्बो 0 इरेजर नहीं है तो।